أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूं मोहसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास चल रही है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। दोस्तों आज की क्लास हमारी क्लास 27 है। दोस्तों क्लास 27 से हम लोग अपना एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉड्यूल 10, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के हवाले से पढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर वो इस चैप्टर से आते हैं। दोस्तों मैं इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कोशिश करूंगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सिखाने की कोशिश करूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे, और इंशाल्लाह हमारे आगे 5 से 6 लेक्चर जो हैं या 7-8 भी हो सकते हैं वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने हमारी आज की क्लास जो है उसका जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एफर्ट के हवाले से। हम देखेंगे हम फिक्स्ड एफर्ट की कॉस्ट को कैसे एलोकेट करते हैं, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि हमारे ये जो फिक्स्ड एफर्ट हैं इनका पर्पस क्या होता है। हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हमारे पास कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स मौजूद हैं जिनकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हम देखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जिनकी हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, उसके साथ हम देखेंगे कि यूजफुल ऑफ लाइफ जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या मुराद है, हम देखेंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है, हम देखेंगे रेजिडुअल वैल्यू से क्या मुराद है, अमोर्टाइजेशन क्या होती है, और आखिर के अंदर देखेंगे कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसके हमारे पास कितने मेथड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिक्स्ड जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन आपको 13 के ऊपर नजर आ रही है, द एफर्ट दैट विल बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सेस ऑफ 1 ईयर, ऐसा एफर्ट जिसको हम एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें या जो है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, इसको हम फिक्स्ड एफर्ट कहते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एफर्ट्स की क्या अहमियत होती है, उसका पर्पज क्या होता है, तो हम लोग जो है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका जो पर्पज होता है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम इससे जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पास कुछ एफर्ट्स ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कुछ हमारे फिक्स्ड एसेट ऐसे भी होते हैं जो रेंटल पर्पज के लिए, जैसे कार वगैरह है। दोस्तों जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट हैं वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर जो है उनको मेजर किया जाता है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब फिक्स्ड एसेट को जो परचेज किया जाता है उसकी कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आप लोगों को जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं आपकी राइट साइड के ऊपर। पहला जो है वो है परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, कि हमारी जो उस एफर्ट्स की परचेज प्राइस होती है वो होती है इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर हमने वो एफर्ट कहीं से इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो भी इसकी कॉस्ट के अंदर शामिल होती है। परचेज टैक्स, हमने वो एफर्ट परचेज करने में जो टैक्स पे किया वो भी इसके अंदर शामिल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट है। रिमूवल एंड साइट रेस्टोरेशन, तो ये सारी दोस्तों वो कॉस्ट हैं जो उस एफर्ट के साथ रिलेटेड होती हैं, और फिर हम इस कॉस्ट की बेस के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दोस्तों ये तो था फिक्स्ड एफर्ट के हवाले से। अब हम जो है इन कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और डेप्रिसिएशन जो है ये हम बार बार आज के लेक्चर के अंदर वर्ड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। तो अगली स्लाइड के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि ये डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या है,
ये डेप्रिसिएशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों यहां पे आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही है, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट टू द एक्सपेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। के फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है, उसने जो है एक एसेट परचेज किया है, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये जो एसेट है, फॉर एग्जाम्पल हम बाइक ले लेते हैं, बाइक कारोबार ने खरीद किया, अज्यूम किया कि इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। अब वो 10 साल के बाद जो है, और जब उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें एक नया एसेट जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो ये जो 10 साल हमारे गुजरे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे निकाल कर हर साल हमने जितना बाइक का पोर्शन इस्तेमाल किया है उतने पैसे हम निकाल कर अलग रख लेते हैं, ताकि जब उसकी लाइफ खत्म हो तो हम एक नया बाइक खरीद सकें। तो ये जो अमाउंट हम हर साल रख रहे हैं दोस्तों, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है डेप्रिसिएबल एसेट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जितनी उसकी जिंदगी है। दोस्तों इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है। तो दोस्तों अब डेप्रिसिएबल एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट्स जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो सके वो हमारे डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे एसेट्स नजर आ रहे हैं जो कि डेप्रिसिएबल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्स्चर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, व्हीकल है। तो ये दोस्तों सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है। दोस्तों हमारे पास एक ऐसा एसेट भी मौजूद है जो कि फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में तो आता है लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, और वो है लैंड। अब लैंड जो है वो एक फिक्स्ड एसेट है लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। दोस्तों हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या है। हम देख लेते हैं कि हमारी ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है ये क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट लेस देन इट्स रेजिडुअल वैल्यू, कि हमारी जो कॉस्ट है इसके अंदर से अगर हम रेजिडुअल वैल्यू निकाल दें, यानी जब एसेट की लाइफ खत्म हो तो जितने का वो सेल आउट हो रहा है वो निकाल दें, तो बाकी की जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो डेप्रिसिएबल अमाउंट है। अब ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है या सेल वैल्यू, तो दोस्तों ये रेजिडुअल वैल्यू भी आज की ही क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट है। ये रेजिडुअल वैल्यू मैं आपको बताता चलूं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जितने का वो एसेट फरोख्त होता है वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। दोस्तों आगे है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस प्रीवियस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हमने एक एसेट खरीद किया, फर्स्ट पहले साल जो है हमने जो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की वो हमने 1000 की, नेक्स्ट ईयर फिर हमने 1000 की, तो पिछले साल का 1000 और करंट ईयर का 1000, तो ये हमारे पास 2000 बन गया। दैट इज द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि जितनी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएं उसके साथ हम प्रीवियस जमा करते जाएंगे तो वो हमारे पास जो है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। दोस्तों अब हमने यहाँ पे एक रेजिडुअल वैल्यू का वर्ड पढ़ा, तो हम देख लेते हैं कि यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ इज द टाइम पीरियड फॉर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एफिशिएंटली, कि वो अरसा जिसके अंदर हम देखें कि हमारा जो एसेट है वो एफिशिएंटली ऑपरेट हो सकता है वो उसकी यूजफुल लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमने एक बाइक खरीदी है, हम ये कहते हैं कि ये जो बाइक है ये 10 साल जो है बिल्कुल इफेक्टिवली चलेगी, तो 10 ईयर जो है दैट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट मोटरसाइकिल, वो उसकी यूजफुल लाइफ है। इसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट जो कि है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू इज द कॉस्ट दैट एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कि जब किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो जितने का एसेट वो फरोख्त होता है इसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारा एक और कॉन्सेप्ट है
जिसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब अमोर्टाइजेशन क्या है? द अमाउंट दैट द कंपनी पेज फ्रॉम द लीज अमाउंट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। कंपनी क्या करती है, इसके पास अगर फंडिंग नहीं है तो वो एफर्ट जो है वो लीज ले लेती है, यानी कि बैंक से आपने सुना होगा लोग गाड़ियां निकलवा लेते हैं। अब 20 लाख की गाड़ी है, हमने जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो कि 15,000 या 20,000 है, तो वो जो 20,000 हम पे करते हैं मंथली, दैट इज नोन एज द अमोर्टाइजेशन। के एफर्ट तो हमारा 20 लाख का है, हमने 20,000 जो है वो मंथली पे किया है अमोर्टाइजेशन के तौर पे, कि हमने जितनी अमाउंट पे की है इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं डेप्रिसिएशन से। यूजफुल लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएबल अमाउंट है, डेप्रिसिएबल एफर्ट्स हैं, अमोर्टाइजेशन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। दोस्तों इन सब को जानने के बाद अब बारी आती है कि हम लोग जो है एक फुल फ्लैज जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मेथड अवेलेबल हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, लेकिन हमारा ये जो कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो 5 मेथड देखेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। वो 5 मेथड कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला मेथड है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। दोस्तों इसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इसी को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है या सेकंड मेथड आता है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, वो है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों इसी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को जो है हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसी को हम जो है वो डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, कहीं पर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको डायमेंशनिंग बैलेंस देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखने को मिलेगा। अगला जो मेथड है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये हमारे पास तीसरा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज द नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट मेथड, कि हमने जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउटपुट वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और ये हमारे पास चौथा मेथड है। दोस्तों पांचवा और आखिरी जो मेथड है जो हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो है नंबर ऑफ सर्विस और मेथड, कि जितने हमने उस एफर्ट से और लिए हैं, जितने और वो एफर्ट यूज किया है उसके बेस के ऊपर जो है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। तो दोस्तों ये हैं वो 5 मेथड जिनके थ्रू हम लोग जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों हम आज की अपनी क्लास जो है वो यहीं पर खत्म करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बल्कि हमारा एक एक जो लेक्चर है वो तकरीबन एक लेक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर होगा, एक हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के ऊपर होगा, और एक हमारा नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट मेथड के ऊपर होगा, एक हमारा नंबर ऑफ सर्विस और मेथड के ऊपर होगा। और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम इन मेथड्स को यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और क्विकली एक बार समराइज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल शुरू किया जिसमें हमने डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट की बात की। हमने देखा फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, इनके जो कॉस्ट है हम उसको कैसे एलोकेट करते हैं, हमने देखा कि इनका पर्पस क्या होता है, हमने देखा व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने देखा डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होते हैं और इनकी यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है, हमने देखा हम डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड द रेसिडुअल वैल्यू, हमने देखा अमोर्टाइजेशन क्या होती है और आखिर के अंदर हमने डिफरेंट मेथड देखे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर दोस्तों अच्छी लग रही है तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनका ये सब्जेक्ट है, कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर फॉर लाइन जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।
और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।